मैंने अपने हाथ में जस्ट अभी मेहंदी लगाई, नहीं आई रिहर्सल में एक दिन भी। मैं तैयार हो गया हूँ, बात है पंजाबी लोग याद रखेंगे। हम यहाँ पे कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। हेलो यूट्यूब फैमिली, आज आरती भर जोशी और कुचू पुचू का चैनल मैं शुरू कर रही हूँ और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मम्मा कर रहे हैं। हाँ, आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ। मेरे को नहीं आता है। तो गाइस स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो, आज के ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज फाइनली हमारी परफॉर्मेंस है। इतने दिन से आप लोग भी ब्लॉग में देख रहे हो, तकरीबन हफ्ता हो गया हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उत्तराखंडी सॉन्ग पे हम परफॉर्म करने वाले हैं, झोड़ा परफॉर्म होगा और जो भी और हमारा एक सॉन्ग है वो परफॉर्म होगा। टोटल 10 मिनट की ड्यूरेशन है हमारे पास परफॉर्म करने के लिए स्टेज पे। तो काफ़ी तैयारी की गई है और काफ़ी सारे आप लोग देखते थे, हम 4-5 लोग ही होते थे प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि सब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। कोई जॉब कर रहा है, कोई स्टडी कर रहा है और हाउसवाइफ कितना बिजी रहती है आपको पता ही है, काम खत्म नहीं होते। तो मम्मी के हाथ में तो मैंने मेहंदी रात लगा दी थी, मम्मी हाथ दिखाओ, तो ऐसी चढ़ी है और मैंने अपने हाथ में जस्ट अभी मेहंदी लगाई है। तो मैंने कहा मम्मी आप लोग की स्टार्टिंग करो आज, तो अभी देखते हैं कब तक ये मेहंदी सूखेगी, कैसा रंग आता है। वैसे कहते हैं दिन में चढ़ी हुई मेहंदी, लगाई हुई मेहंदी का रंग बहुत कम आता है, बाकी देखते हैं क्या होने वाला है। तो आज का जो ये व्लॉग है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हफ्ते की मेहनत आज स्टेज पे दिखाई देगी और बैक स्टेज हम कैसे तैयार होंगे, क्या क्या होगा, वो सब कुछ आपके साथ में शेयर करूंगी। हमारे साथ भी कोई नहीं है, क्या पता हमारे कौन ब्लॉगिंग करे, ये भी कोई पता नहीं है। हम दोनों ही स्टेज पे होने वाले हैं आज, और गिशी बाहर गया हुआ है, वो घर पे है नहीं। वैसे गिशी से बात की है, वो कह रहा है कि तब तक वो आ जाएगा हमारी परफॉर्मेंस से पहले, बाकी देखते हैं आता नहीं आता। वैसे पहाड़ी लोग काफी सारे हैं, किसी ना किसी के हाथ में कैमरा मैं थमा दूंगी, बाकी देखते हैं जो भी होगा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला। बस बिना स्किप किए आज का व्लॉग जरूर देखिएगा। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। यूट्यूब फैमिली, फिलहाल मैंने नहा लिया है, तैयार हो चुकी हूँ। जो मैं मेकअप डेली करती हूँ वही मेकअप किया है मैंने, और बस इस यही मेकअप मेरा रहने वाला है, इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं करने वाली। फिर वो ओवर सा लगता है बहुत ज़्यादा। और देखिए मेहंदी का ये वाला कलर आया है, और नेल पेंट लगाई थी लेकिन फिर काम वाम में लग गई मैं, तो देखो नेल पेंट खराब हो गई है सारी। ये भी ढंग से बात बनी नहीं मतलब, लेकिन वही जल्दी का काम शैतान का काम। एक्चुअल मैं पहले मैं सोच रही थी कि रात जब मम्मी की मेहंदी लगाई तभी लगा लूँगी, लेकिन मुझे ब्लॉग एडिट करना था क्योंकि आज तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होने वाला, तो मैंने इस वजह से रात को ही ब्लॉग एडिट किया। रात में तकरीबन 2:30 बजे सोई हूँ सारा काम वाम निपटा के फ़ोन का, और सुबह फिर उठी गई हूँ टाइम पे, आप लोग देख ही रहे हो जो भी सब कुछ हो रहा है। आज एक बार फिर से ब्रेकफास्ट और लंच एक साथ किया जा रहा है। बैंगन का भरता है, उसके साथ सिंपल रोटी है। अरे मम्मी डाल लिए फिर कानों में, देखो कानों में मम्मी ने डाल ली है। और मैं कोका निकालने लगी हूँ, मुझे मेरी कील गिर गया। मैंने अभी फचिन भी छोड़ा था, वहाँ को गई पता ही नहीं लगा क्या हो गया, कोके का कील नीचे। अच्छा नीचे वाली कील निकल गई, कोई बात नहीं ढूंढते मिल जाएगी। हल्का फुल्का सा मेकअप जो मम्मा डेली करते हैं वो तो मम्मी ने कर लिया है, काजल लगा लिया है, लिपस्टिक लगा ली है, क्रीम लगा ली है हल्की फुल्की सी, लेकिन मैंने कहा चलो थोड़ा सा आज परफॉर्मेंस करनी है तो तैयार कर देते हैं। वैसे इतनी दूर स्टेज से तो किसी को क्या ही हमारा फेस दिखने वाला है ना मम्मी, खाली बेकार ठहराए। अभी मम्मा मेरे बाल सुलझा रहे हैं, बालों में बहुत ज़्यादा उलझने आ चुकी हैं, सुलझाती रहती हूँ फिर उलझते रहते हैं, मेरे बाल कभी सीधे होते ही नहीं है, पता नहीं क्या ही बीतता है इनमें। तो बस यहाँ से हम ऐसे ही निकलेंगे सिंपल तरीके से ही, और वहाँ जाके सब लोग तैयार होंगे एक तरीके से ताकि सब सेम लगे स्टेज पे। इसमें मेरी ड्रेस है जो मैंने पहननी है, ये पिछौड़ मम्मी की साड़ी वगैरह। तो दो थैले हमारे यहाँ पे हो चुके हैं तैयार, और सनाया मैडम जी भी आ चुकी है हरा तोता बन के। ओ हरियल तोते, चल चल उड़ के चल, उड़ के चल उड़ के, मेरे पंखी नहीं है। हमारा क्या है जनाब, झोले पकड़ के ऐसे ही चल देंगे। अब अपने झोले उठा के हम निकल गए हैं। सनाया का रिजल्ट आया, सेकंड क्लास में सनाया फर्स्ट आई है, तो सभी सनाया को बधाई दे देना। बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी आपको, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है अभी, और हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो मिड में होगी। और बैंगल्स अभी पहन लिए मैंने, प्रॉपर रेड बैंगल्स मुझे नहीं मिली, तो जो भी मिली यही पहन ली है फटाफट से। वो देखिए सामने बच्चे तैयार हो चुके हैं, हमारी गिद्दे की टीम तैयार है। हाय बहुत सुंदर लग रहे हो सभी, बहुत प्यारे लग रहे हो। हम बस होने वाले हैं, रेडी होने जा रहे हैं। ओके सुंदर लग रहे हो सभी, फोन आया, सुंदर सुंदर बच्चे, हाय बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, बहुत सुंदर लग रहे हो, हाय 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 हाय। चौथे चौथे से बच्चे तैयार हो चुके हैं परफॉर्मेंस के लिए, बहुत सुंदर लग रहे हो बाबू। थैंक यू, चलो अंदर चलते हैं।
मम्मी की साड़ी सेट की जा रही है यहाँ पे। साड़ी वैसे तो मम्मी ने पहन ली है, पल्ला सही हो रहा है। इधर मैं लगाऊंगी आज। लीजिए हम हो चुके हैं तैयार। नया कैसी लग रही है बुआ? मस्त लग रही है, मोन वट्टा कर लिया। सब तैयार हो चुके हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। हाँ माँ बताइए। अम्मा से पूछो कोई सीन है बड़ा वाला का। और तभी तुम्हें बताएगा अच्छा, मैं तैयार हो गया हूँ। कैसा लग रहा हूँ? कचर 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 लगा रखे सबने। कैसा लग रहा हूँ? सुंदर लग रहा हूँ? ना ना मैं से बोलूँ नमस्ते फूफा। ये देखिए यहाँ पे सेल्फी ली जा रही है और बार बार ये कहा जा रहा है कि मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ। मेरे पे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता लोग। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, सब सुंदर लग रहे हैं ना बाबू। ये बाबू भी कितना क्यूट लग रहा है, चोतू चा मेरा हरा तोता बैठा हुआ यहाँ पे। अब मम्मी का सेट किया जा रहा है पिछौट। सुनाई कैसी लग रही है दादी? अच्छी लग रही है। मुझे मत ले ब्लॉग में, बिल्कुल भी नहीं ले रही तुम्हें ब्लॉग में। मैं ऐसे टेंशन ली जाती बोल बोल के कि मुझे मत लेना ब्लॉग में, स्पेशल ब्लॉग बुलाया जाएगा। सो मुझे मत लेना। ओके नहीं ले रहे हम आपको बिल्कुल भी। क्या तो इतने फ्री भी नहीं है। गिद्धे वाली पार्टी यहाँ पर आई है। फंक्शन देखा है तुम लोग, हो गए स्टार्ट वहाँ पे? हाँ। बोल रही हूँ स्पीच। अच्छा स्पीच वगैरह दे रहे हैं अभी। ओके okay. हर गाज गाइस रोना जरूरी है? नहीं गाइस के साथ बात करें। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस, गाइस आप पानी गड़ा था कुड़ी ना गाइस गाइस करके। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस। पिछोड़ की सेटलमेंट की जा रही है। ये देखिए गाइस, अब देखिए मम्मी की फाइनल लुक। यहाँ पे सास बहू रिहर्सल कर रहे हैं क्योंकि ये मैडम जी ना हमारी एक दिन भी नहीं आई रिहर्सल में, एक दिन भी। बस ये फाइनल डे पे आ रही है, सीधा स्टेज पे चढ़ने वाली है। मम्मी सिखा रही है ऐसे ऐसे जोड़ा करना है। ठीक है आरती, सही हो रही है लुक? सही हो रही है लुक, देखो लुक। ना मेरा क्रीम पाउडर पे करके दिखाओ थोड़ा सा। क्रीम पाउडर घसन की लैन मेरी निर्मला, समझ की लैन मेरी निर्मला, समझे की लैन सब नस गई तू ले नसीजा, सब नस गई तू ले नसीजा। रोज कच कच नी करा तू, हट कच कच नी करा तू। कैसा डांस किया? क्लैपिंग कर दो फिर। ठीक किया। यार सारे अच्छे लग रहे हैं, बहन मरिया ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚਰਬੀ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਂਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕਰ ਉੱਪਰ ਮਾਰੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਥੱਲੇ ਮਾਰੇ। ਕਿਨੂੰ ਕਵਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। हमारे साथ वाले सभी निकल गए हैं जाने के लिए। अरे ये वॉशरूम गई हुई थी, इसको लेके आई हूँ भी, इसको छोड़ आती हूँ। आरती कितनी अच्छी लग रही है, आरती कितनी अच्छी लग रही है। हेलो है, अच्छा लग रहा है ना सारे। फटाफट से हमारी तारीफ कीजिए। मैंने कहा फटा दोनों का ए हैगा ना सारा साडा, देख लो तुसी किमे कीता की। सबको ऐसे लग रहा है कि वो ज्यादा सुंदर लग रही है, मैं नहीं लग रही। वो ज्यादा सुंदर लग रही है, मैं नहीं लग रही। लेकिन मुझे सभी प्यारे लग रहे हैं। देखो अभी तक घर से घंटा डेढ़ घंटा हो गया सेट करते करते सामान, लेकिन अभी मेकअप सेट नहीं हुआ। यहाँ पे आके दोबारा लग गए हैं। टेंट वगैरह सामने लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहीं से, और हमारी टीम भी निकल चुकी है घर से। मम्मा भी किसी को कॉल कर रहे हैं, क्या वो नहीं उठाया? कॉल नहीं उठाया, किसी ने बिजी होगा कहीं, क्या आप तो आ ही रहा हो रस्ते में। वैसे बोल रहा है किसी को कि आ जाए। ये शो तैयार नहीं हुआ अभी? तैयार हो गया। ऐसे करना है, भंगड़े की ड्रेस नहीं लाया? आज तो दो मिनट का ही ऐसे करेगा। अच्छा हाय हाय शनाया, तुम दोनों हरे हरे हो गए। हो गया तुम्हारा?
वहाँ सामने स्टेज है और बैक स्टेज देखिए ये काम किया जा रहा है। यहाँ पे पिक्स क्लिक हो रही है, पिक्स क्लिक हो रही है, पिक्स क्लिक हो रही है, बैक स्टेज की परफॉर्मेंस देखिए। अभी भी हमारे कुछ मेंबर मिसिंग हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है। इतनी ये बैक स्टेज की दुविधाएं देख लो। बहुत मेहरबानी, क्या बात है, क्या बात है जी। राहुल जी थैंक यू वेरी मच। मिश्री इलायची ये सारी प्रिंसिपल जेपी सिंह जी, बड़े रिस्पेक्टेड सुखी जी और होर मेरे बहुत अच्छे परम मित्र सारे। लो जी एक रसम जेड़ी साड़ी पूरी हो चुकी है। मैं ना यहाँ बैक स्टेज हूँ, सुनाया ना वहाँ पता नहीं किसी का घघरा पकड़ के खड़ी थी। मम्मी ने पूछा तेरी बुआ कहाँ, करी ये तो खड़ी है। फिर शक्ल देख रही है, करी बुआ कहाँ गई। क्यों नहीं पता चला, सब सेम लग रहे हैं आपको, एक से लग रहे हैं सब। गिद्दे वाले बच्चे, मम्मी को देखो वहाँ जाके बैठ गई है, थक गई है मम्मी, कब से खड़ी खड़ी है। मम्मी अभी भी किसी को कॉल करने में ही है, तीन फोन कर दिए। बिजी होगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा अपने आप, फ्री होगा तो। मम्मी देखो अपनी बुआरी को तैयार करती हुई, वहाँ पर देखो सेल्फी ली जा रही है, ये अपनी दुनिया में मस्त है, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। क्या बात है, ताड़ियां की कमी आई है, नहीं आनी चाहिए। इन्हों की ज्वेलरी मेकअप कॉस्ट्यूम जो होंगे वो प्रॉपर, क्योंकि इन्हों पता है कि साड़ा कल्चर कितना अमीर है, जिमें आपां नूं अपने पंजाबी कल्चर बारे पता उस तरह इन्हों पता है। सो उत्तराखंड के बड़ा जिमें अपने फोक लो डांसिस ने उस तरह ही परफॉर्मेंस ने। सो इन्हों की परफॉर्मेंस से मैं राहुल जी को बेनती करता कि प्लीज इन्हों सम्मान चिन्ह जरूर तकसीम किया जाए। हेलो, हाँ जी क्या बात है जी, क्या बात है, ताड़ियां ताड़ियां जरूर मार दे दोस्तों। नीता भट्ट, मधु तिवाड़ी, नंदी सानी, हिमांशी बेडुला, पूजा तिवाड़ी, सीमा, रंजना, कविता मेहरा, तुसी जोर दी बोलो, कविता मेहरा, श्वेता तिवारी, आरती भट्ट जोशी, पूजा रावत, शीतल दड़ियाल। क्या बात है जी, क्या बात है, पंजाबी लोग याद रखेंगे।
देखो कुछ एक बच्चे ने जिन्हों बच्चिया नु आपा सन्मान चिन्ह दे के अज जिन्हों का जन्म होया गुरप्रीत कौर अभी हमारी परफॉर्मेंस हो चुकी है, सम्मान चिन्ह देने वाले छोटे से दो बच्चे मिलने के लिए आए हैं। व्लॉग देखते हो आप विक्रम जी, क्या नाम है अपना बताओ? साड़ी संस्था के चेयरमैन विक्रम, बहुत अच्छा लगा आपसे मान साहब अंग्रेजी कॉफी तो हम यहाँ पे कॉफी एंजॉय कर रहे हैं। काफी रश हो रहा है, हम लोग सब साथ में खड़े थे, सनाया पता नहीं कहाँ गुम हो गया, उसको ढूंढते ढूंढते हम पागल हो गए हैं। मम्मी को लगा मेरे साथ है, मुझे लगा मम्मी के साथ है, अभी मिल नहीं रही वो। मम्मी ढूंढ रही हैं, सनाया मिल गई। हमारी तो जान निकल गई, पता था ना अभी कितने आई। कहाँ घूम रहे हो? मेरी तो एकदम, मैंने कहा मैं बच्चों को साथ जिम्मेवारी और। शाम के तकरीबन 5 बज चुके हैं अभी, और अभी हम लोग जा रहे हैं ड्रेस चेंज करने के लिए। मैंने सनाया को कहा, मैंने कहा जा मम्मी को बुला के लेके, दादी को बुला के लेके, अपनी वहाँ खड़ी होकर दादी के साथ देखने लगी प्रोग्राम आराम से। मैं ढूंढ रही हूँ दोनों को, हम लोग, मैं वहाँ से मुड़ के आई हूँ, मोड़ से सारे चले गए। ड्रेस चेंज करके अभी एक बार फिर से हम जा रहे हैं कार्यक्रम की तरफ। बेचारा मेरा हरियल तोते ने तो कुछ किया ही नहीं। हरियल तोता ये देख, ये पतला सा तोता, ये तंदुरुस्त तोता। तो चलिए अभी लोहड़ी सेलिब्रेट की जाएगी। हमारे पंजाब में ना बेसिकली वैसे लड़कों की लोहड़ी सेलिब्रेट की जाती थी पहले, लेकिन अभी लड़कियों की भी स्टार्ट की है और सब लोग कर रहे हैं। समाज बदल रहा है, सोच बदल रही है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और सिर्फ ये नहीं था कि गिद्दा हुआ है, भंगड़ा हुआ है, हरियाणवी डांस भी हुआ है, हमारा उत्तराखंडी डांस भी हुआ है, तो हम सब एक हैं, ये एक मैसेज है सभी के लिए। तो काफ़ी मज़ा आया। नहीं नहीं, कुछ किट वगैरह हो रही है, आई थिंक डायलॉग्स वगैरह चल रहे हैं ऐसे लड़ाईबाजी वाले। तो चलो चलते दिखाते हैं आपको क्या चल रहा है अभी। कम ऑन फॉलो मी गाइस। हेलो मम्मी ने कोका निकाल के नथ पहनी थी और कोका घर में छोट गई है, तो भी ऐसी तिल्ला सा डाल रखा नाक में, क्योंकि खाली नाक नहीं छोड़ते हमारे में। बच्चियां का सम्मान जिसते करके पूरे प्रोग्राम दे विच तुसी जुड़े रहे हो। हमारे घर में खुदा की कुदरत है, कभी उनको कभी अपने घर को देखते हैं। और कुत्ता बिच आ गया, देखियो मैं लगता भी देखो पिछले जन्म च हो सकता कोई आर्टिस्ट हो बे। मैं लगता डॉक्टर बलबीर सिंह जी कैबिनेट मंत्री पंजाब साढ़े दरमियान तशरीफ लिया रहे, जोरदार दी तालियां। श्री टिवाणा साहब SHO त्रिपुरी बाजवा साहब सनाया देखो कितनी खुश हो रही है, क्योंकि इसकी ट्यूशन की होगी आज छुट्टी और मजे काट रही है सुबह से हमारे साथ। भाभी के घर से सामान उठा लिया है हमने अपना और चल रहे हैं अभी घर की तरफ वापस। बाय बाय, मिलते हैं। नमस्कार पिताजी।
कैसे पिताजी? पापा की टोपी का रूप देख के देखो नन्नू रोने लग गई। हमारे गिफ्ट, ये देखो आपकी बेटी और आपकी धर्म पत्नी को मिला है ये। यस, एक मम्मी का एक मेरा है। कान के उतारे जा रहे हैं अभी यहाँ पे। पापा जी हैप्पी लोहड़ी। ये हम बांट रहे थे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, जय हो। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, किसी ने मेरा श्याम देखा, जय हो। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, राधा तेरा श्याम मैंने वृंदावन में देखा, गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, जय हो। गैया चराते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। डिनर टाइम। देखिए बाहर बारिश आनी शुरू हो चुकी है, पूरा आंगन भीग चुका है, दोनों ही अपने अपने फोन में मेरा व्लॉग देखने लगे हुए हैं। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। हमारी मौज मस्ती, हमारा आज का उत्तराखंडी पहनावा, हमारा डांस, हमारी लुक आपको कैसे लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स करके। मैं 10th के एग्जाम देने के बाद आज ही स्टेज पे चढ़ी, काफी टाइम के बाद, तो काफी अच्छा लगा। और मम्मी तो लाइफ में पहली बार स्टेज पे चढ़ी इस तरीके से। वैसे तो बहुत बार आई है, जैसे हमको इनाम मिलता था, पेरेंट्स को बुलाते थे, तो मम्मी ऐसे तो बहुत बार आई है, लेकिन खुद की पहली बार मम्मी को ऐसे ट्रॉफी मिली है ना मम्मी, तो आपको कैसा लगा? पहले गिरीश की, राकेश की भी ली थी मैंने। राकेश की ली थी ना, तुम्हारी खुद की पहली तुम्हें मिली है, तो वो तुम्हें कैसी लगी? मेरी पहली बार है, मैं बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मना कर रही नहीं, मैं नहीं जा रही, मैं नहीं जा रही, मैं जबरदस्ती लेके गई। मैं कहा नहीं मम्मी चलो 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 करके मैं जबरदस्ती लेके गई इनको। लेकिन जो भी, जैसा भी, खूब मस्ती की हमने। उम्मीद करती हूँ आप सबने भी काफी इंजॉय किया होगा इस व्लॉग को। वैसे कही हुई बात सच है यार, दिन में लगाई हुई मेहंदी नहीं चढ़ती, देखो कितनी हल्की है। मम्मी अपनी दिखाना, मम्मी के रात लगाई थी, देखो मम्मी की फिर भी चढ़ी है मेरी, देखो कितनी हल्की सी है। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, एकदम मस्त रहिए, और देखते रहिए आपकी बहन आरती भट्ट जोशी का चैनल। लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, बेल आइकन को जरूर दबा देना। ये हमारी मोटी पतली गुड़िया है। आइए।